रात दा भिखारी दिने राजा। एक अजीब कहानी पर सिख्या बहुत सोहनी दिंदी है, बने रहो अंत तक। एक राजे नूं एक अजीब बीमारी सी कि दिन वेले वो राजा बन के रहिंदा सी ते रात दे हनेरे विच वो भिखारियां वर्गा वर्ताव कर लग जांदा। ते ए सब होया सी बचपन दी एक घटना दे कारण। कहानी शुरू हुंदी है 20 साल पहला। गुस्सेखोर ते ताकतवर राजा, जिस दी ताकत ते क्रोध दे नाल उस दे राज विच सब डरदे सी। पर राजे दा पुत्र बड़ा ही शरारती ते शैतान सी। वो किसी दी भी गल ना सुनदा ते कदे कदे तां शैतानी दीआं सारीआं हद्दां पार कर दिंदा। एक दिन अपने पुत्र दीआं शैतानियां तों तंग आ के राजे ने गुस्से विच अपने सिपाहियां नूं हुक्म दे दिता कि रात नूं जदों ये गहरी नींद विच होवे तां उदों इस नूं दूसरे राज दे जंगल विच छड्ड आओ। मंत्रियां ने राजे नूं समझाउण दी बहुत कोशिश कीती पर राजा अपने हुक्म ते अटल सी। ते उसे रात सिपाही 8 साल दे राजकुमार नूं दूसरे राज दे जंगलां विच छड्ड आए। एक ही रात विच राजकुमार दा पूरा जीवन पलट गया। महल दे ठाठ विच रहण वाला हुण दर दर दीआं ठोकरां खाण लई मजबूर हो गया। राजकुमार भीख मंगण लग्गिया, कुछ मिलदा तां खा लैंदा नहीं तां बस भुखा ही सौं जांदा। कुछ दिन बाद जदों राजे दा गुस्सा शांत होया तां उसने राजकुमार नूं भालण लई कहा। पर राजकुमार तुरदा तुरदा किसी दूर शहर विच पहुँच गया। समय दी मार ते लोकां दी दुरकार दे नाल राजकुमार अपना बचपन ते पहचान भुल के पूरी तरह भिखारी बन गया। समा अपनी चाल चलदा रहा। 20 साल बीत गए। 8 साल दा बच्चा हुण 28 साल दा जवान हो चुकिया सी। फिर इदां ही किते भटकदे भटकदे कुछ पिंड ते शहर लंघ के एक दिन भिखारी अपने ही महल के सामने भीख मंगते हुए लंघिया। तो उदों ही कुदरती बुढ़े राजे ने महल की खिड़की तो बाहर देखा। उही चेहरा, उही नैण नक्श। राजे ने अपने बेटे नू एक झलक विच पहचान लिया। राजे ने तत्काल अपने सिपाहियों नू हुक्म किया, इस भिखारी नू फड़ो ते जल्दी महल विच लैके आओ। राजे दा हुक्म सुन के प्रधानमंत्री ने हैरान जिहा होके कहा, हे राजन, तुहानू भला उस भिखारी तो की काम? राजे ने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये जो भिखारी देख रहा है ना, दरअसल ये मेरा पुत्र है। इस राज दा राजकुमार है। मैं इसनू किथे किथे नहीं लभ्या, पर संजोग दे नाल ये खुद अपने घर आ गया। राजे दा हुक्म मन सिपाही भिखारी दे मगर भजे। लड़के ने जदों सिपाहियां नूं अपने वल आउंदे देखिया तां ओह एकदम घबरा गया। उसने सोचिया कि शायद महल दे सामने भीख मंगना अपराध है, इसलिए सिपाही मैनूं फड़न लई मेरे पिछे आ रहे ने। तां ओह लड़का भज्जिया। भजदे भजदे ओह बाज़ार दी भीड़ विच गुआच गया ते सिपाहियां दीआं अखां तों ओले हो गया। सिपाही वापस महल आ गए ते राजे नूं बोले, महाराज, ओ भिखारी साढ़े हाथ नहीं आया, सानू देखदे ही ओ तेजी नाल भज्जिया ते बाज़ार दी भीड़ विच गुआच गया। इधर प्रधानमंत्री जी सिपाहियां दी गल पूरी गौर नाल सुन रहे सी। प्रधानमंत्री राजे कोल गए ते सारी स्थिति नूं भांप के कहा, महाराज, शायद हुण उसनूं कुछ याद नहीं है, तुसी धीरज रखो, असी राजकुमार नूं लभ लवांगे। प्रधानमंत्री ने राजे नूं कहा, पर जदों असी उसनूं महल लैके आईए तां तुसी उसनूं एकदम ना दस्सिओ कि उह तुहाडा बेटा है, इस राज दा राजकुमार है, क्योंकि महाराज ये गल बहुत गंभीर है, की पता उसदा दिमाग इन्नी वड्डी खबर झल ही ना पावे, किते उह पागल ही हो जावे जां डर जावे ते सोचन लगे कि पता नहीं ये लोग किहड़ी चाल चल रहे ने, इसलिए ये भिखारी ही राजकुमार है।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਤੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਲੜਕਾ ਰਾਜਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਜਾਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ
कुछ दिन धीरज दे नाल ओ ए सब देखते दे रहे। फिर एक दिन उस दे कोल जाके बोले कि पुत्र तू एकांत विच इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, तैनू किहड़ी चीज़ की कमी है जो तू रोटी ते कपड़े रात नू फड़ के सौंदा है। पिता जी मैं नहीं जानता कि मैनू ये की हो रहा है, मैनू ये हमेशा डर बनया रहिंदा है, वार वार सब ते शक जिहा हुंदा है कि किते सब मेरे कोलों खोया ना जावे, किते लोग मैनू मार ना देन। मैनू हर समय खुद उपर शक हुंदा रहिंदा है कि मैं सच्ची राजा बन दे लायक हाँ भी जां नहीं, इसे कारण मैं रात नू भिखारी बन जाना। जेकर रात नू मैं रोटी ते कपड़े अपने सीने ना लगा के ना सौवां तां मैनू नींद नहीं आउंदी। नौजवान राजे दे चेतन मन नू पता सी कि हुण ओह राजा है, पर पिछले 20 सालां दा अवचेतन मन इस नू किवें स्वीकार करे। जिहड़ियां लीकां गहरे मन विच खिचियां गईयां सी ओह वार वार उस नू भिखारी ही महसूस करवाउंदियां। इसे मानसिक टकराव दे कारण राजा बीमार रहन लग्या। अपने बेटे दी ए हालत देख के बुढ़े पिता ने एक सन्यासी महात्मा नू बुलाया ते उन्हां नू सारी समस्या दस दिती। महात्मा ने कहा इस उपर हिपनोसिस दे कुछ प्रयोग करने पैणगे, जदों तो ये उपरली सतह ते राजा बनया है उदों तो इस दे अंतर मन विच बैठा भिखारी विचलित हो गया है, इसलिए ये डर ते चिंता विच जिउंदा है। अवचेतन मन विच ये धारणा बिठाउणी पवेगी कि ये एक दलेर ते समर्थ राजा है। महात्मा उस नौजवान राजे नू रोज़ाना योग निद्रा दी अवस्था विच लिजा के ये सुझा दिंदे, मैं राजा हाँ, मैं समर्थ हाँ, शक्तिशाली हाँ, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैनू किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सारे मैनू पसंद करते ने, मेरा आदर करते ने। महात्मा उसनू रोज़ रात नू सौंदे समय इन्हां भावनावां दे नाल सवा दिंदे। हौली हौली राजे दे अंतर मन विच साहसी ते समर्थ होण दी भावना घर करदी गई ते भिखारी होण दी भावना खत्म हुंदी गई। पुराने ते डरावने सुपने अपने आप आने बंद हो गए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहिंदे ने कि जो तुहाडे शरीर ते मन नू कमज़ोर बनावे वह पाप है, ते मैं कमज़ोर हाँ ये मन लैणा सब तो वड्डा पाप है। स्वामी जी कहिंदे ने कि ब्रह्मांड दीआं सारीआं शक्तियां पहलां तो ही साडीआं ने, असीं ही हाँ जो अपनीआं अखां उपर हथ रख लैंदे हाँ ते फिर रोंदे हाँ कि किन्ना हनेरा है। असीं जो चाहिए वह कर सकदे हाँ, पर साढ़े अवचेतन मन विच हंकार नाम का एक लाचार भिखारी बैठा है जो खुद नूं आत्मा तो परम शक्ति तो अलग मानता है, इसलिए हमेशा कमजोरी ते चिंता महसूस करता है। चेतन मन जदों अपनी शक्ति पहचानता है उदों वह राजा हुंदा है, ये चंगा भविख देख सकता है, खुद उपर विश्वास कर सकता है। परंतु जिवें ही ध्यान हटता है उदों ही अवचेतन मन विच बैठा होया भिखारी पूरे मन उत्ते हावी होण लगता है। सानू अवचेतन मन नू हराउणा नहीं है बल्कि अवचेतन तक सही सुनेहा पहुँचाउणा है। किवें? योग निद्रा जां ध्यान विच खुद नू बहुत शांत करके जो भी असीं अपने जीवन विच पाउणा चाहुंदे हां, आनंद, खुशी, धन, कामयाबी, कुछ भी, उस दी धारणा बना के उसनू वार वार महसूस करना है। इस तरीके नाल अवचेतन मन विच वसियां विरोधी धारणावां टुटनियां शुरू हो जाणगियां ते कुछ ही दिनां विच साडी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सो दोस्तों जेकर तुहानू ये कहानी वधिया लगी तां अपने अजीज़ दोस्तां ते चाहुण वालियां नाल जरूर शेयर करो। सो जल्दी मिलते हैं अगली कहानी दे नाल। अपना ख्याल रखो। शुक्रिया।